हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया रेसिपी, ऑरियो बिस्किट से केक की रेसिपी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना यम्मी केक बनकर तैयार होगा। घर में हम सिर्फ दो या तीन चीज़ों से इस केक को बनाएंगे। आसान तरीके से झटपट बनने वाला ऑरियो बिस्किट केक को आप लोग फुल वॉच जरूर करें। ओरियो बिस्किट से किस तरीके से मैं केक बना रही हूँ, तो चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से केक बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने लिया है दो पैकेट ओरियो बिस्किट, ये है बड़ा पैकेट। तो इसमें से मैंने क्रीम जो है इसको अलग कर दिया है, क्रीम को साइड में रख देंगे, इसे भी हम केक में बाद में यूज़ कर लेंगे। साथ में मैं इसमें पार्ले जी बिस्किट ऐड कर रही हूँ। अगर आप पार्ले जी बिस्किट नहीं डालना चाहते, इसे स्किप कर सकते हैं। दोनों मिक्स करके मैं बना रही हूँ, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम बिस्किट को तोड़ेंगे और मिक्सी जार में 1 से 2 चम्मच चीनी डालेंगे। साथ में बिस्किट को हम बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा बारीक अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, हम इसे दूध में अच्छे से भिगाएंगे और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर दूध कितना लेंगे, जितना आप केक को बड़ा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से, बड़ा या छोटा उसी हिसाब से आप दूध को ऐड करते रहिए। तो यहाँ पर हमें जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा दूँगी, आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हमें स्मूथली बैटर को तैयार करना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ज़रूरत पड़ने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क हम ऐड करते रहेंगे। और ये देखिए, बैटर जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक मोल्ड लेना है, केक मोल्ड, जिसमें मैं तेल लगा रही हूँ। फिर तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और मैं इसमें एक बटर पेपर रख रही हूँ। अगर आप बटर पेपर नहीं डालना चाहते तो मैदा या आटा से भी डस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोल्ड को पहले रेडी कर लेना है। अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर केक का जो बैटर है वो अच्छे से भीग चुका है बिस्किट के साथ में, और बहुत ही स्मूथली ये बैटर बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर या सोडा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये लेमन फ्लेवर का इनो है, आप दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं। जितना क्वान्टिटी का मैंने यहाँ पर बिस्किट लिया है उसी हिसाब से मैंने एक पैकेट इनो डाला है। अगर आप कम बनाते हैं, छोटा केक बनाते हैं, तो पैकेट से आधा पैकेट आप इनो इसमें डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा दूध डालने के बाद हम इसे और भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केक का जो बैटर होता है ना, इसे हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है। तो आप देख सकते हो, अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे और ये जो है ना बिल्कुल थिकनेस आप इसका देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा थिक भी आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो हम यहाँ पर मोल्ड को थोड़ा टैप कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। पहले से ही मैंने एक बर्तन रख दिया है गैस के ऊपर, जिसे मैंने प्रीहीट होने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, ये देखिए, नीचे एक मैंने स्टैंड भी रखा है। बहुत ही सावधानी से हम इसे रखेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा पतीला है बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम ढक देंगे और ढक के हमें कुक करना है 30 से 40 मिनट तक। थोड़ा टाइम ज़्यादा या कम भी लग सकता है, बीच में हम चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जब तक केक बेक होती है, मैं यहाँ पर चॉकलेट ले रही हूँ, डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा चॉकलेट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें तोड़ना है और मेल्ट करना है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे हम मिक्स करेंगे, उसके बाद गैस में हम इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे, लो फ्लेम में मेल्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चॉकलेट है मेल्ट हो चुका है। तो आप केक को देख लेते हैं, केक जो है हमारा 30 से 40 मिनट तक हो चुका है और बेक भी बहुत अच्छे से हो गया। देख सकते हैं केक हमारा फूल चुका है ना। तो अब हम इसे निकाल लेना और ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इसे कट करेंगे तो ये टूट सकता है और बिखर सकता है, इसीलिए ठंडा करने के बाद ही हमें इसे ओपन करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक को मैंने दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसका जो बटर पेपर है इसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो कितना यम्मी केक बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ऊपर से मैं थोड़ा सा चीनी और पानी को मिक्स करके ये लगा रही हूँ। उसके बाद जो चॉकलेट को मैंने मेल्ट किया है, चॉकलेट को इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत यम्मी बनकर तैयार होगा। और आप यहाँ पर ऑरियो बिस्किट से इसे गार्निशिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते ही हम इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अगर ये रेसिपी आप सबको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।